हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ ये डिस्कस करने वाले हैं कि यदि हम जीएसटी का वर्क कर रहे हैं तो उनमें कुछ कोड होते हैं। जैसे कोड को अगर नहीं जानोगे तो आपको ये रिपोर्ट नहीं मालूम चलेगा कि ये आपने परचेस किया है कोई माल, या आपने सेल किया है, या आपने किसी से एडवांस लिया है, या आपने परचेस रिटर्न किया, सेल रिटर्न किया है, तो उन सबका कोड है। अगर कोड को नहीं जानोगे तो आपको रिपोर्ट समझ नहीं आएगा, तो वो मैं आज बताने वाला हूँ। तो इसको देख लो, जैसे कुछ हम कोई सामान को हम सेल करते हैं ना, तो सेल वाला जो इंट्रीज होता है वो उसका रिपोर्ट बनता है B2B के अंतर्गत। ठीक है, B2B का अर्थ होता है बिजनेस टू बिजनेस। ओके, यानी रजिस्टर्ड की बात हो रही है। कोई रजिस्टर्ड बंदा है जिनको अपने माल बेचा, ठीक है, तो उसकी जो रिपोर्ट जो बनती है वो B2B के अंतर्गत होती है। इसके बाद B2BA क्या होता है? B2BA का मतलब होता है संशोधन। जैसे कि आपने कुछ किसी को माल बेचा, और हम क्या करते हैं जब हम माल बेचते हैं ना, तो अगले व्यक्ति का जो GST नंबर होता है उसके नाम से हम GST पोर्टल पर अपलोड कर दे रहे हैं डेटा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर कुछ भूल चूक हो गया, जैसे कि मान लो आपने 20 आइटम बेचा, उनमें से आपने कुछ सामान छोड़ दिया, ठीक है, बिल में आपने एक आइटम छोड़ दिया, उन 20 आइटम सेल किया था तो आपने 19 ही आइटम का लिस्ट बनाया, तो उस केस में जब वो आपको क्लेम करेगा तो आप उस चीज़ को संशोधन करके सेट करोगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है B2CL, एल का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, और काम वही होगा, बस इसमें फ़र्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो लार्ज मतलब बड़ा, बड़ा से रिलेटेड क्या हो जाएगा कि हम जब काम करेंगे, काम में क्या होगा, सप्लाई करेंगे आउटसाइड द स्टेट वेयर द सप्लायर रजिस्टर्ड डीलर के साथ काम करेंगे, और जो उसका टारगेट अमाउंट कितना होगा, 2.5 लाख के अबव। ठीक है, यानी B2CL के अंतर्गत वो वाला रिपोर्ट दिखेगा जिसमें कोई व्यापारी के साथ आपने जो बिजनेस किया है यानी सामान बेचा है 2.5 लाख से एबव का, तो उसका कोड क्या होगा, B2CL। समझ में आया? इसके बाद B2CLA का मतलब संशोधन, बात समझ आई? यानी कुछ भूल चूक हो गया उस व्यापारी के साथ, बड़े व्यापारी के साथ, तो वहाँ पे आप B2CL का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ए। इसके बाद है B2CS, एस फॉर होता है स्मॉल। देखो यहाँ पे बड़ा हो गया, एल फॉर लार्ज, एस फॉर स्मॉल। यहाँ पे बात क्या किया जाएगा, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड की बात की जाएगी। ठीक है ना, अनरजिस्टर्ड पर्सन यानी कंज्यूमर है, उनको आपने माल बेचा, तो वो जो रिपोर्ट बन के आएगा वो किसमें बन के आएगा, B2CS के नाम से बन के आएगा। देखो ये जो रिपोर्ट होता है ना, रिपोर्ट को हम लोग टैली में अगर यूज़ कर रहे हो तो टैली में हम डिस्प्ले पर जाते हैं, वहाँ पे होता है स्टेचुरी रिपोर्ट, और GST मिलता है, GST के अंतर्गत हम इसको देखते हैं। ठीक है, और यदि अगर आपके पास टैली टैली समझ में नहीं आता है तो आप एक्सेल पे भी इसको कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब इसको समझ लो, B2CS क्या होगा। B2CS का पूरा नाम बता रहा है कि B2C मतलब स्मॉल बिजनेस टू कंज्यूमर। अब देखो बोला कि अनरजिस्टर्ड की बात हो रही है, और इसका अमाउंट कितना देख लो ध्यान से, 2.5 लाख से लेस है। ठीक है ना, यानी बिग मतलब देखो यहाँ पे क्या है, B2CL, एल फॉर लार्ज, यहीं पर 2.5 लाख से एबव बोला गया है, और B2CS, एस फॉर स्मॉल, स्मॉल मतलब 2.5 लाख से लो। ठीक है, ओके, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, एनी वैल्यू मतलब क्या कि अपने ही राज्य के अंतर्गत माल को बेचना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसके बाद यहाँ पर एक फिर से लिखा हुआ है कि AT क्या है। देखो AT का अर्थ होता है एडवांस टैक्स, मतलब क्या, यदि आप और ये एडवांस टैक्स लेते हो वो एक लाइबिलिटीज होता है। ठीक है, रिसीव करते हो या पेमेंट करते हो, ओके, तो अगर आप एडवांस किसी बंदी से ले लेते हो पैसा, इसमें क्या होता है ना कि हम जब किसी पार्टी से एडवांस लेते हैं तो और गवर्नमेंट को हम टैक्स भी पे करते हैं। ठीक है ना, ख्याल रखना इस बात का, तो वो एंट्री वहाँ पर शो करती है हमारे रिपोर्ट में। इसके बाद ATA का अर्थ क्या हो जाएगा, अमेंडेड टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट, अगर आपने कोई संशोधन करना है, ठीक है, तो वो ATA का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि अगर मान लो किसी पार्टी ने आपको ऑर्डर दिया था, एडवांस पैसा भी दे दिया था, और दूसरे महीने में आपको माल डिलीवर करना था, उसने कैंसिल कर दिया, तो उस केस में आप क्या करोगे, ATA का इस्तेमाल कर लोगे, रिफंड कर लोगे। ठीक है, कुछ संशोधन करना हो कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ADA मतलब क्या होता है, एडवांस एडजस्टमेंट, अगर कुछ प्रॉब्लम है टैक्स में तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे ATA में। और इसमें क्या होगा, संशोधन की बात होगी। ठीक है, यानी एडवांस एडजस्टमेंट अगर कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा, इसमें समझ लेना, जहाँ भी ए लगा हुआ है तो ए का अर्थ होता है संशोधन करना। ठीक है ना, चेंजेस करना। और नीचे EXEMP, ये आपको कई जगह दिखेगा, इसका अर्थ होता है कि
नील रेटेड मतलब कोई भी उस पर रेट नहीं लगा है, एग्जेम मतलब शून्य, नॉन जीएसटी सप्लाई मतलब ऐसा कोई सामान जिस पे जीएसटी ना लगा हो तो उसको बोलने उसको हम रखेंगे किस कैटेगरी में, एग्जेम्प्ट में, ठीक है, नील रेटेड की बात हो रही है। इसके बाद हम बात करेंगे एचएसएन, इसका एक समरी नंबर होता है, इसका हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर वाइज समरी। और देखो ये क्या होता है कि किसी भी आइटम का एक समरी होता है, ठीक है, हम एचएसएन नंबर से उस सामान का पूरा पूरा डिटेल जान सकते हैं, ओके। और DOCS का मतलब क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ द इशू, अगर आप कोई भी टैक्स पेयर यानी कोई बंदा होगा उसको आप कोई डॉक्यूमेंट जारी कर रहे हो तो उसको DOCS के नाम से जानोगे, ठीक है। इसके बाद नीचे देखो, नीचे है ऑप्शन दूसरा वाला B2CSA मतलब अमेंडेड B2C स्मॉल, अगर इसमें संशोधन की बात हो रही है और कौन होगा, एस फॉर स्मॉल की बात हो रही है और ए फॉर अमेंडेड की बात हो रही है, अनरजिस्टर्ड बंदा होगा और इसका जो अमाउंट क्या होगा, जो व्यापार करता है 2.5 लाख से कम का। इसके बाद यहाँ पे CDNR का मतलब क्या होता है, CDNR का मतलब होता है क्रेडिट डेबिट नोट, रिफंड वाउचर की बात अगर करें हम तो यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखिए अगर हमें संशोधन करना होता है ना तो हम संशोधन वाला यानी रिफंड की हम अगर बात करेंगे तो हम क्रेडिट डेबिट नोट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका मैंने एक वीडियो बनाया भी है, वो आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो मैंने बताया था एडवांस वाला, इसको एक बार से फिर समझ लो, जो एडवांस है यहाँ पे, ये केवल अगर टैक्स कोई भी आपने एंट्री कर लिया, माल बेच दिया, माल खरीद लिया और जब आप रिपोर्ट पे जाते हो तो अनएडजस्टेड होता है अमाउंट, तो उनको यहाँ से सही किया जाता है, ठीक है। और जो सही होता है फिर उसका डॉक्यूमेंट अलग बनता है। इसके बाद क्योंकि ये एक्सेल पे भी आप डायरेक्टली इसका कोड लिख करके आप फाइल पे जनरेट कर सकते हो। इसके बाद नीचे ऑप्शन है एक और, देख लो यहाँ पे CDNRA मतलब कोई संशोधन करना हो तो संशोधन करोगे। इसके बाद यहाँ पर एक अनरजिस्टर्ड की बात करेंगे, देखो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम यू का मतलब होता है अनरजिस्टर्ड, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ समझना, आपको कई जगह दिखेगा यूडी, यूडी का अर्थ होता है अनरजिस्टर्ड, ठीक है, एक बात ख्याल रखना हमेशा। CDNR इसमें भी संशोधन किया जाएगा और EXP यानी एक्सपोर्ट कर रहे हो सप्लाई कोई भी तो उसको इस पर इस कोड से दिखाओगे और इसका संशोधन हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे एक फॉर्मेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे हमने यूज़ किया है, आप डायरेक्टली चाहो तो एक्सेल में भी काम कर सकते हो। यहाँ में हमने एक यूज़ किया है B2B का, B2B में क्या, ये एक्सेल का पूरा फॉर्मेट है, यहाँ पे लिखा गया समरी फॉर B2B और नंबर ऑफ रिसीप्ट, नंबर ऑफ इनवॉइस, टोटल इनवॉइस, आप ऐसा ही फॉर्मेट सेम बनाओगे, ठीक है। सेम फॉर्मेट बना करके GST पोर्टल पे यहाँ वहाँ पे मिलेगा आपको ऑफलाइन टूल, और ऑफलाइन टूल डाउनलोड करोगे ना तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, टूल डाउनलोड करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो एकदम सेम। अगर इसका फॉर्मेट आपने रॉन्ग लिखा है तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा पूरा इसका डिटेल देख लो बारी बारी, ये सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे जो हमने अभी दिखाया था आपको, B2B B2CL, यहाँ पे आप उसका नाम लिखकर सेव कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सेल में भी कर सकते हो और टैली में भी, टैली में क्या होता है हम काम करते हैं ऑटोमेटिक वहाँ पर जनरेट होता रहता है रिपोर्ट, और एक्सेल में क्या करना होगा आपको, एक्सेल में आप खुद बनाते हो, तो आप दोनों तरीका आपके पास है और दोनों तरीके में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।